हेलो हेलो, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है शो लेकर हम आप पहुंचे हैं बड़ौद विधानसभा। बागपत जिले के अंतर्गत आती है ये विधानसभा। और आपको दिखा दूं कि इस वक्त, क्योंकि मैं बड़ौद में मौजूद हूं, ये है घोड़ा गाड़ी जिसमें जाता है यहां से सामान, जिसमें चाहे हम खाद की बात करें तमाम चीजें यहाँ से जाती है। कृष्ण पाल मलिक यहाँ से वर्तमान में विधायक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 में इस सीट से बसपा ने विजय हासिल की थी। थोड़ा सा घोड़ा गाड़ी को रोक लेते हैं और जानकारी और दे देते हैं। 26,000 वोटों से उन्होंने RLD के प्रत्याशी को 2017 में हराया था। और अब देखना दिलचस्प होगा कि 3.5 लाख से ज्यादा जो मतदाता यहाँ रहते हैं वो 2022 में किसे चुनते। शुरुआत आपसे करती हूँ, आप बड़ौद विधानसभा में रहते, थोड़ा सा खड़े हो जाइए, मुझे बताइए इस बार क्या सोच रहे आप। हम तो ये सोच रहे हैं जी, RLD के हैं यहाँ से सब। इन्होंने काम पहले बहुत कर रखा है। इन्होंने तो यहाँ से BJP वालों ने तो एक तावारा पशु और एक मील का पेमेंट नहीं होता बिल्कुल भी, ना पहले होता ना ही होता। बात तो बाकी भाई है इसमें भी, अरे एक बेरोजगारी एक महंगाई। आप भी खड़े हो जाइए और एक थोड़ा सा मुझे ये बताइए इस बार जो है आप लोग क्या सोच रहे हैं। हम तो RLD को ही वोट देंगे, इससे अलग कोई किसी। भाजपा ने पिछले 5 साल में क्या काम किया है? भाजपा ने कुछ नहीं कराया यहाँ से, ना विधायक भाजपा का गांव में भी नहीं आया आज तक। आज तक गांव में ही नहीं पहुँचे हैं। कृष्ण पाल मलिक से कभी मुलाकात हुई है आप लोगों की? हुई जी, हमारी तो बड़ी अच्छी हुआ है। अच्छा, कैसे काम कर रहे हैं विधायक? बढ़िया कर रहे हैं जी हमारा तो। इस बार जनता क्या सोच रही है भाई का पता नहीं, हम क्या कह सके जी इस बार। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? हम तो फिर सोच रहे हैं कृष्ण पाल मलिक आ जाए। एक तरफ भाजपा एक तरफ RLD, अलग अलग मिला जुला जो है यहाँ पर बात चल रही है। चलाइए घोड़ा गाड़ी और चलते हैं गांव की तरफ, लोगों से बातचीत करते हैं। बड़ौद विधानसभा के बड़ावत गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। आपको इंट्रोडक्शन तो हमने दे ही दिया था, ये पब्लिक है सब जानती है कार्यक्रम की शुरुआत का। और देखिए पब्लिक मेरे साथ मौजूद भी है, शुरुआत कर लेती हूं। पब्लिक इस बार क्या मूड बना रही है? पब्लिक यही मूड बना रही है, मैम चुनाव आ रहे हैं अब तो सबको तोल लेंगे, 5 साल का लेखा जोखा वसूल लेंगे इनसे और उसके आधार पर डिसीजन लेंगे, उसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी अगर सरकार बनती है तो। हमें मुश्किल बिजली बनो या ना बनो, हमें के मतलब है उस पर, हमें तो अपना सही हिसाब किताब जो सही होगा उसका देख के जाना। तो इस पर क्या सोच रहा है किसान, गन्ने का जो जिस तरीके से दाम BJP सरकार ने बढ़ाया, क्या उसको लेकर भी आप सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा काम किया है? नहीं, बढ़िया काम किया। 5 साल में 6 साल में तो ये 25 रुपये बढ़ाए, वो बढ़ाए के हैं। वो महंगाई कितनी है, बहुत काफ़ी है, महंगाई घनी है। वो चीज़ पे दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल पे बढ़ा दिए, डीजल पे बढ़ा दिए, कि इसमें 25 रुपये में वो कभी कोई फायदा नहीं। इसमें 5 साल में 25 रुपये किसी काम के नहीं है, वे काम के बढ़े तो है ही, पर कई साल में बढ़ाए। आप लोगों के वोटों की संख्या भी ज़्यादा है इस विधानसभा की, वो है कि अखिलेश यादव यहाँ पे आ जाए। यानी इस बार आपको लगता है कि RLD और सपा बेहतर काम? हाँ जी। BJP से नाराजगी किस बात? BJP से नाराजगी इस बात की है कि मजदूरों को सही वो नहीं हो रहा है, निर्णय नहीं लिया जा रहा उसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो रही है लोगों को। 3 तलाक का इशू लिया जाए, लव जिहाद का मुद्दा लिया जाए, लगता है आपको कि सरकार ने बेहतर काम किया इस मुद्दे को लेकर? हाँ, इस मौके को लेकर सरकार ने बेहतर काम किया। लव जिहाद जो है वो एक सामाजिक मुद्दा है, ठीक है। इससे मतलब ये जो है लव जिहाद का जो मतलब है वो इस सामाजिक मुद्दा है, जैसे कि चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं। आप कहते चुनाव में मुद्दा नहीं बनेगा, 3 तलाक जिस तरीके से कानून बने हैं मैम, चुनाव का मुद्दा जो मुस्लिम मतदाता है वो इस बार क्या मूड बनाएंगे? मुस्लिम मतदाता जो है गठबंधन की तरफ है अब के बार आके, जो सत्ता पक्ष से नाराजगी किस बात की? नाराजगी है कितनी महंगाई चल रही है, ठीक है। आप सिलेंडर गैस सिलेंडर देखिए, तेल का भाव देखिए, 80 रुपये था सरसों का तेल, अभी 200 रुपये है, ठीक है। तो महंगाई का मुद्दा है, अभी गन्ने का पेमेंट का मुद्दा है। रात दिन हमारे गांव में ही 1 बजे तक 2 बजे तक इधर पुल पे ही पैरा लगाते हैं किसान सब। हाँ, पशु ना घुस जाए। आपको क्या लगता है रोजगार का मुद्दा क्या इस बार बड़ा मुद्दा लगे होगा, क्योंकि 5 साल की अगर बात की जाए टैबलेट भी बांटे गए हैं, फोन भी बांटे गए हैं। रोजगार तो दे रही है सरकार, बस जो अच्छा मार्क ला रहे हैं उन्हें रोजगार दे रही है, और जो नहीं पढ़े लिखे उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। तो सरकार अगर वो भविष्य में
रोजगार देगी तो उन बच्चे को देगी जो उसके काबिलियत होगा। लाइट नहीं होती थी, बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। आप देखो, जैसा भी देख पा रहे हो कि हमारे यहाँ पे जो कक्षाएं चलती हैं वो डिजिटल है ड्यू टू कोरोना वायरस। आपने देखा होगा कि हमारे एरिया में बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन अगर आप ये मानो कि अगर हमें बिजली नहीं मिलेगी तो हमारा फ़ोन चार्ज कैसे होगा, सबसे बड़ी तो बात ये। और फ़ोन पर हमारी क्लास चलनी है, हमारे जो 11th 12th के बच्चे हैं वो टोटली डिपेंड टोटली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को ये सरकार आगे लेकर आई है। टैबलेट और फोन जो बांटे हैं उसे, फोन बटने वाले हैं हमारे यहाँ पे जनता वैदिक इंटर कॉलेज में। जिन बच्चों ने इस साल प्रवेश लिया है उनको डेफिनेटली मिलेंगे। हाँ, अखिलेश यादव जी की सरकार में भी मिले हैं, सुविधाएं मिली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो, रामराज कब कहा जाएगा? रामराज तब कहा जाएगा जब हमारे आम नागरिकों के पास में सुविधाएं पहुंचे। आप देख पा रहे हो मेरे घर में, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मेरे घर में भी जो योगी जी द्वारा दिया गया जो राशन है वो मेरे घर तक आता है और हम खाते हैं, पेट हमारा भर जाता है। कह रहे हैं कि राशन पहुंचा घर घर और प्रधानमंत्री ने भी कहा था 80 करोड़ लोगों को राशन बटा है। क्या आपको लगता है कि क्या ये मुद्दे से आप लोग चुनाव में वोट देने जाएंगे? जी देखो, वोट तो हम RLD और अखिलेश यादव जी के साथ में, गठबंधन के साथ में है। भाजपा से नाराजगी किस बात पर? नाराजगी है जी, महंगाई उसने इतनी कर दी जी, बर्दाश्त नहीं होती, बस ज्यादा महंगाई कर दी। महंगाई इन्होंने कहा कि कर दी। देखो महंगाई, आप एक बात बताओ, हाँ। पहले 8 घंटे लाइट आती थी, हाँ। और अब आती है 18 घंटे। सुविधाओं में तो कहीं ना कहीं अंतर है। अरे सुविधाएं बढ़ी है। अब सुविधाएं बढ़ी है, एक बात तो बताओ आप, सुविधा तो चलो हम मान रहे बढ़ गई है, अब इतना हमारा बजट नहीं है, महंगाई इतनी कर दी, बच्चे भूखे मर रहे, उस सुविधा का करें कि हम बच्चे कह रहे हैं कि बच्चे जो है अन्न नहीं मिल पा रहा। आप एक बात बताओ, जो जो स्किल वर्क में परफेक्ट है, मान लिया मैं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को अपने तरीके से अच्छा पढ़ा रहा, डील कर पा रहा हूँ उनके साथ में, मान लिया मजदूर वर्ग से हैं और ये अपने काम के प्रति, न्याय के प्रति सत्य है, मतलब ड्यूटी की जो जजमेंट है वो अच्छा कर रहे हैं, क्या इनको पैसे नहीं देगा कोई जहाँ पे कार्य करते हैं? वो बात आपके भैया ठीक है, पैसे हमें मिल रहे हैं, लेकिन आप इस बात को भी तो देखो, हमें मजदूरी तो मिल रही 200 रुपए और खर्चा हो रहा 400 रुपए का, हम 200 रुपए कहाँ से लेके आए? वो बात, रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिल रहा, बिजली के मुद्दे को लेकर महंगाई इतनी हो रही, खर्चा मिल रहा हमें कम, मजदूरी चलाते घर में इस्तेमाल करते, हाँ जी लाइट जला रहे हैं, कितना आ रहा है बिल? तो फिलहाल 400-500। किसान क्या सोचता है कि टोल प्लाजा पे टोल लग रहा है लेकिन सड़कें अच्छी हो गई है? सड़कें अच्छी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सड़कें सारी। टोल प्लाजा को लेकर बड़ी शिकायत है किसानों की। देखो हर समय आना जाना पड़े, आते जाते बताओ क्या एक दफे उन्हें पैसा दे, कहाँ से दे, पैसा तो मिल नहीं रहा, जब पैसा नहीं मिल रहा तो कहाँ से पेमेंट करें उन लोगों को? पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े लेकिन फिर गन्ने के भी दाम बढ़ाए गए, उसको कैसे देख? गन्ने के दाम सीमित बढ़े हैं, जैसे पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है उस हिसाब से गन्ने का पेमेंट नहीं दिया। मैं नाले बहुत नजर आए जो ढके भी नहीं थे, वहाँ पे बच्चे भी खेल रहे थे। नाले वगैरह तो सब साफ हो गए, बाकी जो ये जो बच्चे पड़े हुए हैं ये बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, इनकी भी तो सुनवाई होनी चाहिए ना कहीं ना कहीं। महंगाई तो हो ही रही जैसी हो रही, बाकी जो राशन भी आ रहा है, भेज रहे राशन वगैरह भी भेज रहे, हम ये नहीं कह रहे, पूर्ति कर रहे सब चीज़ की पूर्ति कर रहे, पर बच्चों को नौकरी के लिए तो होना चाहिए ना, कुछ समाधान तो होना चाहिए ना। ये बेरोजगार बड़ौद को पिछले 5 साल में बदलते देखा है या क्या स्थिति तस्वीर जो है बड़ौद की आप लोगों ने देखी? बाकी जो फुटी उटी सड़कें थी वो तो सब सुधार हो गया बड़ौद में। और कृष्णपाल मलिक से कभी मुलाकात होती है जो मौजूदा विधायक है? देखो जी मजदूर आदमी इतना दम ठाली था नहीं, तो क्षेत्र में आते हैं? हाँ क्षेत्र में आते हैं, अभी आए थे 5-7 दिन पहले भी। समस्या सुनते हैं? हाँ जी सुनिए, अभी कुछ समाधान कितना निकलता है? अब उन्होंने कहा था 2-4 दिन में समाधान करा देंगे, कुछ जोड़ अटे पड़े वहाँ, बच्चे जैसे मृत्यु होती है उनमें दफनाने के लिए दिक्कत होती है, तो इन कह रहे हैं जोड़ को खाली करा के साफ कराएंगे, तुम्हें गिराई करवा के जो बच्चे दफनाने के लिए है उसे जगह दी जाएगी। जनता से सीधी बातचीत कर लेते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ौद का क्या हाल है? हमें बड़ौद का कोई मतलब नहीं, हमें अपने गाँव से मतलब है। बड़ौद विधानसभा में मौजूद हूँ, आपका गाँव भी इसी विधानसभा में आता है। बड़ौद में पक्की सड़क है, ठीक है, इब 10 बाजार का एडगा के उम्मीद है, योगी ने यू काम पूरा कर रखा, हम रात को दिन में काम करें, रात को बाजारों का फेरा दे, जो पशु है वो आ जाते हैं, पशु हमें गए हमें एक रमदा अंडा सारा एक हमें गांव में फिरे, हम इनके पीछे रात को फिरे। गन्ना किसान परेशान कि भैया पशु जो है बहुत आते हैं। दूसरी समस्या क्या मानते हैं? स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल उनसे मैंने पूछा था, आपसे भी पूछ लेती हूँ, स्वास्थ्य सुविधाओं जो है यहाँ पे गांव में कैसी है? हॉस्पिटल अवेलेबल है? हॉस्पिटल कुछ नहीं है ना, हॉस्पिटल दवाई के लिए है, दवाई मिले हॉस्पिटल में है, दवाई है, लेडीज आवे डॉक्टर नहीं है,
ये हाँ रोज आवे इतवार की छुट्टी रहे, कह रहे कि रोज आते हैं हॉस्पिटल में तमाम चीजें ठीक है, लेन जा कोई आके बस की बात है, मैं बुलाऊंगे घर से। बताइए, वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल की सुविधाएं, आपने कहा हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, डॉक्टर टाइम पे मिलते हैं आपको, मिल जाते हैं टाइम पे, सारी दवाइयां मिल जाती है, हाँ सारी दवाइयां। इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं सारी है, मैं फिर आपके पास दोबारा आऊंगी। मैं उससे पहले आपसे पूछूंगी, गन्ना जो किसान है इस पर क्या सोच रहा है, पेमेंट तो जो है कहा जा रहा है कि बढ़ा दी गई है। मैं बताऊंगा, गन्ना पेमेंट आ नहीं रहा, गन्ने का पेमेंट 22 फरवरी आ रहा पिछले साल का, इस साल का कोई पेमेंट नहीं। योगी कहे कि मैं वहाँ घोषणा कर दी मेरठ में, अकबा बहुत पेमेंट करवा दिया, यहाँ कोई पेमेंट नहीं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2,000 देने की बात की गई थी, साल में 6,000 देने की बात की गई है। आप मानते कि भाजपा की सरकार ने ये काम अच्छा किया? नहीं, भाजपा की सरकार ने अच्छा तो करे, जितने का 2,000 दिए इतने का तेल बता दिया, उसमें ट्रैक्टर में अगरबत्ती तेल लग गया। बड़ौद में जाटों की संख्या ज्यादा है, मुस्लिमों की संख्या भी है मतदाताओं की, इस बार जाट मतदाता क्या सोच रहे हैं? बिजली की मुझे 24 घंटे में 20 घंटे बिजली भी चाहिए, ऑटोमेटिक दबा के मैं अपने घर लेट रहा हूँ, खेत भरे लग रहे, अब बिल देना ना पड़े। योगी क्या अपने घर से पूर्ति करेगा? वो तो यहीं से करेगा। इन्होंने जो बात की है, लोग यहाँ पे तालियां बजा रहे हैं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में बागपत जिले का है यूनिट का, आप बिजली का रेट बहुत ज्यादा है, बिजली की सुविधा अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा करी शुरुआत में। सुन रही बात है बिजली की, अब ये कहते हैं महंगाई, हाँ महंगाई है, लेकिन हमें सड़क भी अच्छी चाहिए, हमें एयरपोर्ट भी अच्छे चाहिए, हमें हवाई जहाज तारने के लिए भी चाहिए, हमें बड़े बड़े स्टेडियम भी चाहिए। भैया मोदी का अपनी जेब से करेगा, वो तो कहीं ना कहीं करेगा, यानी कि कह रहे हैं तमाम सुविधाएं चाहिए तो जेब में से पैसा भी निकालना पड़ेगा। आपने बिजली का मुद्दा उठाया, अब बिजली का पहले बिजली की का जो टाइम टेबल बढ़ाया वो अखिलेश यादव जी के गवर्नमेंट में बढ़ाया है, ठीक, थोड़ा बीजेपी ने बढ़ाया, ऐसा नहीं है कि तुरंत इन्होंने एकदम से 20 घंटे कर दिया, 18 घंटे अखिलेश जी की गवर्नमेंट में बिजली आ रही थी, और 18 घंटे अखिलेश जी की गवर्नमेंट में बिजली, अखिलेश ने 18 घंटे बिल्कुल नहीं दी किसी से पूछ लो, अखिलेश ने नहीं दी बिल्कुल भी 18 घंटे, अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट में बिजली आ रही थी, और आप बेरोजगारी की बात कर रहे, ये बछड़ू की बात है कटड़ू की, ये हम ये छोड़े हैं जो उनसे पछड़े कटड़े कहे, ये अब कहाँ पड़ा है छोड़ दे, योगी खदेड़ा ना होगा इन्हें, तो ठीक है योगी जी ने तो रोजगार बढ़ा दिया आपका, जो एक मिनट योगी जी ने तो बेरोजगारी खत्म कर दी, आप 4 लाख रोजगार बोल रहे हैं, 20 करोड़ रोजगार, कितना यूपी की जनसंख्या कितनी है, 20 लाख रोजगार दे दिया, जितने किसान थे सब रोजगार, सब अपना इसके किसानी में सब ऋण तो आधा हो गया, गठबंधन की सरकार बनेगी अब, क्या ठीक है, ये कह रहे हैं कि रोजगार जो है कम हुए, तो एक बात बताओ बछड़ा कौन घेर रहा, जो किसान, एक छोटी बात लेकर चलो, बछड़ा योगी लेकर आए वो भी मार रही है, हमने छोड़ के दूसरे महंगाई बुत्ता ठा रही, योगी ने दो हम महीने में 2 यूनिट दे रखी, फ्री दे रखी बिल्कुल, वो कहां से आवेगी बताओ, अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कराया कि गवर्नमेंट अब तो 300 यूनिट बिजली, नहीं गुंडा राज था अखिलेश यादव, गुंडा राज था बिल्कुल, बीजेपी में फर्जी एनकाउंटर हो रहे, बिल्कुल निरोड़ भी फर्जी एनकाउंटर हो रहे वहां जी गवर्नमेंट, अखिलेश यादव ने, मैं टीचर हूँ विटवीन टीचर को कह के एक सिर्फ 5,000 रुपए दिखा के दोबारा कोई घोषणा नहीं करी, रही एक बार सम्मान निधि 2,000 रुपए दे के पीएम मोदी ने सम्मान निधि दे के, एक छोटा किसान जिसे बेचारे को पानी देने के लिए 50 रुपए घंटा देना पड़ता है, और वो दे के 2,000 रुपए में अपना सम्मान निधि का, सम्मान निधि की होती है, सम्मान निधि कुछ नहीं, कोई सम्मान देने दे, अरे बिल आवा है तो घना आवा है, बिजली आ रही है ज्यादा आ रही है, आप एक बात बताओ, अगर पैसा गवर्नमेंट सुविधा दे रही, पैसा भी तो ले रही है, सिर्फ हमारे यूपी में बागपत यूपी में ही थोड़ी ना सुविधा होगी, पूरे इंडिया में दे रही है सुविधा, यहाँ रेट ज्यादा क्यों है आप ये बताओ, यहाँ रेट ज्यादा क्यों है, यूनिट कितना, कितने रुपए यूनिट है बाग, आप एक तो मैं सुनो भाई, अगर अखिलेश की सरकार इतनी अच्छी थी कि उससे बिल्कुल स्वर्ण युग आ गया हिंदुस्तान में, तो उसको बदल क्यों दिया 5 साल के अंदर, बदल क्यों दिया, सवाल क्यों बदल दिया? देखो आपको बताऊं मैं, एक मोदी लहर आई थी, ठीक है, उसमें सब धूलित हो गए लहर में,
बैर आई थी उसमें हम मना नहीं कर सकते। तो वो सिर्फ एक ही मुद्दा था, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे बीजेपी गवर्नमेंट बन गई, लेकिन गवर्नमेंट बनी मुद्दा चलने वाला नहीं है। ठीक है, अब गठबंधन की सरकार बनेगी, 350 प्लस सीट निकलेगी। ठीक है, वो शायद 100 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे गठबंधन वाले। लोग तालियां बजा रहे हैं, कुछ लोगों को आगे की तरफ लेकर आ रही हूँ। वो कह रहे हैं कि 350 इस बार सीटें आएगी। सीट का तो जी हम आपको ये क्लियर कहते हैं, जो बड़ौत विधानसभा है 101% योगी जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएंगे। बड़ौत विधानसभा में, बड़ौत विधानसभा में गठबंधन को 10,000 वोटों से आगे जीता के चले गए। 10,000 वोटों की बात नहीं हो सकती। तीनों सीट अगर गठबंधन की ना निकली तो हमें जब बताना बीजेपी वालों की गुल्लक खत्म कर देगा। थोड़ा सा माहौल जो है यहाँ पर ज्यादा गर्माता जा रहा है। मैं चाहूंगी एक बार अपनी अपनी सीटों पे आप लोग बैठ जाइए। इन्होंने कहा गठबंधन की सरकार बनेगी, कितना सहमत है? गठबंधन की सरकार में तो 100% सही है। गठबंधन की सरकार बनेगी कह रहे हैं? नो, किसी भी कीमत तक नहीं बनेगी गठबंधन की सरकार। कितनी सिमट जाएगी सीटें, कितनी सिमट जाएगी गठबंधन की? 100 से कम। अपनी 3 सीट बचा लियो बीजेपी वाले। 350 कम से कम, कम से कम 350। क्या सोचते हैं? चलिए पीछे और भी लोग खड़ोगे, थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाइए, बातचीत कर रही हूँ। मैडम एक बात आपको यहीं पर निर्णय मिल जाएगा, आप बीजेपी वाले 8 वालों जो बीजेपी की तरफ है यहाँ बीजेपी के सपोर्टर ज्यादा है हमारे गाँव में। देखो मैं बता रहे हैं, आप लोग जो है यहाँ पे सपोर्टर हैं, इसलिए आप लोग हम जो है कह रहे हैं। लेकिन काम के क्या काम एक बड़ा मुद्दा बन रहा है कि जो भाजपा का समर्थन आप देते नजर आ रहे हैं कहीं ना। देखो एक बात हम रखना चाहेंगे, युवा वर्ग जो है कहीं ना कहीं, देखो हम अंधभक्त बिल्कुल नहीं है कभी योगी सरकार को। आदमी नहीं बोलता मैम, काम बोलता है। आदमी नहीं बोलता, काम बोलता है। काम किसका बोल रहा है? योगी का बोल रहा है, जो काम कर रहा है सब बोल रहा है। आगे की तरफ बात करती हूँ मैं। बाबा आपसे पूछना चाहूंगी, क्या गन्ना किसानों के लिए मुद्दा बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या गन्ना किसानों के लिए मुद्दा बड़ा मुद्दा बनेगा? किसानों के लिए मुद्दा बड़ा मुद्दा बनेगा? कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ भटकाने का मुद्दा है और कुछ मुद्दा नहीं है। किसान जो है भटका रहे, सिर्फ जो है लोक दल का वो कर रहे, इसमें और वैसा कोई जत्ता नहीं। इस बार सोच कह रहे हैं, इस बार लेकिन सोच कह रहे हैं 100 साल तक भी लोक दल की सरकार नहीं बनी। आपस में बात विवाद कर रहे, सुन लेते क्या कह रहे हैं। यू है बीजेपी का, हाँ गन्ना किसान ने एक छोटी सी बोलता नहीं। मैं बीजेपी का बिल्कुल नहीं हूँ, सुन ले मेरी बात। मैं जो ईमानदारी की बात कहूँ, मैं बछड़े छोड़ने की बात कही, क्यों छोड़ो किसान था? बछड़े नु बताओ क्यों छोड़ो? पहले भी छोटे थे बछड़े, तो पहले भी थे गाँव, तो पहले भी थे गाँव, पहले भी ब्याह थे, बछड़े भी छोटे थे। वो कहाँ अखिलेश जो है उनकी पूर्ति करे था, अगर नहीं मानते गन्ना की पशु पशु रहेंगे। मैं सबके पास आ रही हूँ, जितने रोजगार जितने नौजवान यहाँ पर बैठे हैं मैं सबके पास आ रही हूँ। और एक बारी मैं कह के अपनी बात खत्म करती हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ कि इस बार गठबंधन का काम असर दिखाएगा, क्योंकि बागपत में मौजूद है, छपरौली बिल्कुल नजदीक है और बागपत का गढ़ माना जाता है। बाबा आवागा बाबा धुम्मे तायद दगा योगी बाबा। चलिए आप क्या सोचते हैं, रोजगार बोलेगा या फिर काम बोलेगा या फिर धर्म या विकास बोलेगा? नहीं जी, रोजगार काम और विकास बोलेगा, धर्म के नाम पर यहाँ पर कोई चुनाव नहीं है। और चुनाव का आधार क्या रहने वाला है? मैम बाबा आया पड़ा, कोई नहीं हराने वाला। बड़ौत विधानसभा को लेकर आपकी क्या राय है? कई बार आप वोट भी देने जाते, क्या सोच रहे हैं इस बार क्या करेंगे? हम तो वोट भाजपा को देंगे और उसे। लेकिन सवाल ये है कि काम जो किया उससे सहमत? सब चीज से फिट है। चिली सड़क पानी आपको क्या लगता है कि अभी मैं आपसे भी मिल रही थी, ऑफ कैमरा बात भी की थी मैंने आपसे, आप भी अभी खेती करके आ रहे हैं, किसान जो है क्या नाराज है इस बार? हाँ, ये गाय वाय से तो नाराज है। क्या किसानों के लिए जो 3 बिल वापस लिए गए, क्या अब मूड बदलेगा किसानों का? मुश्किल है, जो ये तो बदल दिया उन्होंने, लेकिन जो बदल गठबंधन की सरकार क्या लगता है बेहतर काम करेगी अगर बनती है तो? मुश्किल है। भाजपा ने जिस तरीके से पिछले 5 साल का काम किया उसको लेकर क्या कहेंगे? खुश हैं हम, बहुत बढ़िया काम। कानून व्यवस्था को लेकर क्या सोच रहे हैं?
कानून व्यवस्था बिल्कुल फिट है, पहले से बहुत अच्छी है। यहाँ के बड़ौत विधानसभा के लोग मौजूद है, आपने कार्यक्रम किया है, ये पब्लिक है सब जानती है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए जोरदार। पूरा कार्यक्रम का समापन हम लोग कर रहे हैं, और जिस तरीके से आपने सुना मैं बड़ौत में मौजूद थी, डिबेट भी हुई, लोगों ने बातें भी करी, कृष्ण पाल मलिक मौजूदा विधायक भी है, लोग तर्क भी रखते हुए, उन्होंने तर्क जो रखे हैं वो तर्क वितर्क दोनों तरीके से रखे, यानी कि जनता भी सोच रही है कि 22 में करना क्या है। बहरहाल इस कड़ी में चौका कार्यक्रम का समापन करती हूँ, ये पब्लिक के सब जानते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए आप समझ गए होंगे कि बड़ौत विधानसभा के लोग इस बार क्या चाहते हैं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी बड़ौत।